नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुल अग्रवाल गर्चा, फाउंडर और कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, आई डर्मा स्किन और एस्थेटिक क्लिनिक रायपुर से। होली भले ही रंगों का त्यौहार हो, बट इस रंगों के त्यौहार में कई लोगों को त्वचा संबंधित तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आज हम उन्हीं कुछ बीमारियों और उनके उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। होली के बाद सबसे कॉमनली पाई जाने वाली बीमारी होती है ड्राइनेस, यानी कि रूखापन। ये रूखापन चूड़ी रंग या गुलाल में पाए जाने वाले माइका डस्ट की वजह से हो सकता है। जब इन रंगों को आप अपनी स्किन में रब करते हैं, उसकी वजह से छोटे माइक्रो ट्रॉमास, जिसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इससे बचने के लिए होली खेलने से पहले आप अपने शरीर में तेल लगाना ना भूलें। तेल जैसे कि ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल और आलमंड ऑयल ज़्यादा प्रेफरेबल है। सरसों का तेल का इस्तेमाल ना करें। ये तेल आपको स्किन में, बालों में और नाखून सभी जगह पे लगाना है, ताकि सारी स्किन की प्रोटेक्शन अच्छे से हो पाए। होली खेलने के बाद कुनकुने पानी या ठंडे पानी से नहाएं और नहाने के लिए उपटन का इस्तेमाल करें। उपटन में आप दही, बेसन, आटा और टर्मरिक का इस्तेमाल करना ना भूलें। अच्छी तरीके से उसे शरीर में लगा के 10 मिनट रखें एंड वॉश कर लें। वॉश करने के बाद ऑयल थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बैरियर बनाएगा जिससे बाहर की नमी अंदर नहीं आ पाएगी और अंदर की नमी बाहर नहीं जाएगी। उसके बाद आप मल्टीपल लेयर्स ऑफ मॉइस्चराइज़र का यूज़ करिए। ये मॉइस्चराइज़र आपके कलर्स को ईजिली हटाने में हेल्प करेगा और आपकी रूखी त्वचा को मॉइस्चराइज रखेगा। इसके अलावा एलर्जी भी बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। एलर्जी धूप से हो सकती है, क्योंकि हम बहुत देर धूप में खड़े रहते हैं, या कलर्स की वजह से। अगर धूप रिलेटेड एलर्जी से बचना है तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना ना भूलें। मिनिमम SPF 40 और वाटरप्रूफ या वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन ही होनी चाहिए। ये सनस्क्रीन आप तेल लगाने के पहले लगा सकते हैं। अगर कलर्स की एलर्जी हो तो उस वक्त आपको खुजली या लालपन महसूस हो सकता है स्किन में। उसके लिए आप फेस को या बॉडी को अच्छे से वॉश करके उसमें आइसिंग करें और खूब सारा मॉइस्चराइज़र लगा लें। अगले ही दिन अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना ना भूलें। अगर आपको एक्ने या एक्जिमा जैसी बीमारी है तो होली खेलना अवॉइड करें, क्योंकि माइका डस्ट या चूड़ी रंग के रब होने की वजह से फेस में एक्ने होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फंगल इन्फेक्शन यानी कि फफूंद समर का बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। होली के सीज़न से ये चालू होता है, क्योंकि हम बहुत देर तक पानी में रहते हैं। तो होली खेलने के बाद तुरंत शरीर को रूखा रखें, पाउडर डालें और सूखे कपड़े पहनें। होली खेलने से पहले पाउडर का इस्तेमाल सारे फोल्ड्स में करें। होली खेलने के दौरान चूड़ी कलर अवॉइड करके सिर्फ सूखे रंग से होली खेलें और होली खेलने के बाद अच्छे से पूरे शरीर को ड्राई रखें। स्किन के साथ साथ हेयर और नेल का केयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। होली खेलने से पहले स्किन की ऑयलिंग के साथ साथ हेयर की ऑयलिंग भी करें। स्कैल्प से लेकर टिप तक अपने पूरे बालों को अच्छी तरीके से ऑयल करें और अपने नाखून में नेल पेंट लगाएं। नेल पेंट लगाने से आपके क्यूटिकल्स का बचाव होगा और क्रॉनिक इन्फेक्शंस जैसे कि पैरोनाइकिया, जो बहुत देर पानी में रहने की वजह से हो सकता है, उससे हमें बचाव मिलेगा। होली खेलने के बाद अपने बालों को 10 मिनट प्लेन वाटर से वॉश करें और उसके बाद माइल्ड या बेबी शैम्पू का इस्तेमाल करें। ड्राइनेस से बचने के लिए कंडीशनर या सिरम का इस्तेमाल करना ना भूलें। आई होप आपको ये टिप्स कुछ काम आई हो। आई डर्मा स्किन क्लिनिक की तरफ से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली सावधानी से खेलें और अपनी त्वचा को सुरक्षित रखें। नमस्कार।